तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सनल इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको जो है निसान मैगनाइट का एक्सीडेंट हुआ है उसकी फोटोज दिखाऊं, और वो जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल निसान से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। और हो सकता है वो जो आपको एक्सपीरियंस है अपनी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ सीख दे जाए, क्योंकि जैसा मैंने किया मैं एग्जैक्टली वही बात आपको बताऊँगा। तो मेरे ना दो दोस्त हैं अलग अलग शहरों में, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में। दोनों के पास निसान की डीलरशिप है और दोनों का एटीट्यूड सेम है। अब सेम एटीट्यूड जो है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है उस पर स्ट्रेस दिया है सेम, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ। तो मेरा एक और दोस्त है जिसके पास मारुति की डीलरशिप है। जब मैं बोलता हूँ डीलरशिप है, मेरा मतलब ये है कि डीलरशिप के मालिक हैं, ना कि डीलरशिप में काम करने वाले, ठीक है। तो ये तीनों लोग जो हैं, अब आप समझ गए, दो निसान के और एक मारुति के जो है डीलरशिप के मालिक हैं। और भी मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग गाड़ियों की डीलरशिप के मालिक हैं, होंडा के, ह्यूंडई के, स्कोडा के, बट एनीवे अभी इन तीनों की बात करते हैं। तो एक चीज़ मैंने कॉमन नोटिस करी है निसान के डीलर में, इन दोनों में जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि लालच से भरे हुए हैं। ये एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जो है एक ही कम्युनिटी का पार्ट है। कुछ साल पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब डीलर बने निसान के, जब निसान इंडिया में मतलब कंपनी क्रिएट हुई और उसके बाद डीलरशिप देने लगी, तब से इनकी जान पहचान है। और लेकिन मेरी इन दोनों से जान पहचान तब से है जब मैं छोटा सा था, ठीक है। तो ये जानते नहीं कि मैं इनका दोस्त हूँ। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट दोनों एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना हाई हेलो वाला, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ बातचीत नहीं, कुछ पर्सनल बात नहीं, बट एनीवे मेरी दोनों से अच्छी दोस्ती है। तो एक जैसे मैंने बताया सेम एटीट्यूड है दोनों में, और दोनों में वो सेम एटीट्यूड क्या है, एक लालच से भरा एटीट्यूड है, मनी माइंडेडनेस है। इनसे जब भी मैं बात करी है निसान गाड़ियों से रिलेटेड, अब मैं गाड़ियों की बात करता हूँ, निसान की गाड़ियों से रिलेटेड जब भी मैंने इन दोनों से पूछा कि भाई कैसा है, क्या है, लेनी चाहिए, ये है, कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, तो ये थोड़ी सी बात बताने के बाद हमेशा ये बोलते हैं कि मेन पैसा तो हम जो है बॉडी शॉप या फिर रिपेयर से कमाते हैं, सर्विसेज से। तो मेन फोकस तो हमारा रहता है कस्टमर को चूस लो जैसे ही वो आए सर्विस कराने। मेन हमारी कमाई गाड़ियों की सेल्स से नहीं है। और जहाँ गाड़ियों की सेल्स की बात आई तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, 3-5 से लेकर 6% तक की ही कमाई है पर गाड़ी की सेल्स पे, ओवरऑल जो एक्स शोरूम प्राइस होता है उस पे। तो अगर कोई 5 लाख की गाड़ी बिक रही है और 3% की कमाई हो रही है तो सिर्फ 15,000 रुपये आप कमा रहे हो। और हो सकता है कई लोगों को लगे कि 15,000 तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप लाखों का रेंट दे रहे होते हैं शोरूम का और आपके शोरूम प्लस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉयज जो हैं 30 से लेकर 50 होते हैं और आपको उनकी सैलरी देनी है महीने दर महीने, तो 15,000 रुपये पर गाड़ी जो 5 लाख की है उस पर कुछ भी नहीं है। 100 गाड़ियाँ भी बिक जाएँ तब भी कितने बनेंगे, मुश्किल से 15 लाख रुपये, 10-10, 15-15 लाख रुपये तो शोरूम का रेंट है दिल्ली में पर मंथ। सो एनीवे, अब मैं बात बताता हूँ, कंपेयर करता हूँ इन दोनों का एटीट्यूड वर्सेस मारुति का। जो मेरा डीलरशिप फ्रेंड है, जिसकी डीलरशिप है मारुति की, वो मेरा फ्रेंड है, उससे जब भी मैं बात करता हूँ गाड़ियों से रिलेटेड, कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, गाड़ियों की सेल से रिलेटेड, या गाड़ी कोई लेनी हो उससे रिलेटेड, तो उसका फोकस, सारी बातें बताने के बाद उसका फोकस ये रहता है कि भाई मुझे अच्छी सर्विसेज देनी है कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे। उसके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना कि मुझे तो लूटना है। हो सकता है मेरा कहने का मतलब सारे निसान वाले, हो सकता है सारे निसान डीलर्स ऐसे ना हो, लेकिन मैं अभी जिनको जानता हूँ मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है सारे मारुति डीलर्स भी ऐसे ना हो, बट एनीवे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अब आप देख लीजिए जो अपने स्क्रीन पे जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, कैसे बुरी हालत हो गई है, जबकि जो ट्रक है उस पर इतना कोई डैमेज हुआ नहीं है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि मैं निसान की मैग्नाइट खुद लेने का सोच रहा था, एक गाड़ी को सेल आउट करके एक छोटी गाड़ी मैं सोच रहा था कि अपनी बेच दूंगा और निसान मैग्नाइट ले लूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे उसकी जो निसान की मैग्नाइट है बहुत फीचर रिच कार लगी। मुझे ऐसा लगा कि नॉट ओनली इज दिस कार फीचर रिच बट इट लुक्स अमेजिंग एज वेल। मुझे अमेजिंग लगी उसकी लुक्स गाड़ी की। अगर उसका साइज थोड़ा बड़ा कर दी जाए और गाड़ी को 12-13 लाख का कर दिया जाए, उस सेगमेंट में फिट कर दिया जाए उस गाड़ी को बड़ा करके, जैसे अगर आप जैसे मोबाइल पे अगर आप गाड़ी जैसे पिक्चर फोटोज को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाए उस गाड़ी को,
क्रेटा के साइज का कर दिया जाए या एमजी के साइज का कर दिया जाए और उसे दो तीन लाख सस्ती कर दी जाए, तो आई एम श्योर ये गाड़ी तो बहुत बिकेगी, बिकॉज उसका डिजाइन बहुत अच्छा है आगे पीछे से। ये मेरी अब सब्जेक्टिव मेरा ओपिनियन है, अब हो सकता है कई लोगों को पसंद आए ना आए। एट द सेम टाइम मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो पर्सनली ये लेना प्रेफर नहीं करूंगा। इवन दो मैं घर वालों को बोल रहा था कि ये गाड़ी बेच के ये वाली ले सकते हैं, और उनको भी लगा कि हाँ ये गाड़ी तो अच्छी है जब मैंने रिव्यूज दिखाए उनको ऑनलाइन, लेकिन अब तो नहीं लेने वाले फॉर श्योर, क्योंकि हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए सेफ्टी इज फर्स्ट। और अब ये ना समझिएगा कि मैंने मारुति का नाम लिया तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जाके मारुति की गाड़ियां लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो डीलर का नाम भी नहीं बताया आपको, आप गाड़ी चाहे मैं तो कहूंगा सारी हिंदुस्तान जाके मैग्नाइट ही ले लें, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो मैंने शेयर किया। मैंने किसी डीलर का नाम नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि डीलर इस सिटी में इस लोकेशन पे है, तो नो नथिंग हैज बीन रिवील्ड। बट जो एटीट्यूड मैंने देखा उन दोनों डीलर्स का वो मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने और मेरा पर्सनली ऐसा रहता है कि मुझे इस देश से लगाव है तो ऐसे लोगों से मैं थोड़ा डिस्टेंस हो जाता हूँ। तो एनीवे मतलब अभी भी दोस्ती है दोनों से अच्छी खासी, बट अब जो है एक डिस्टेंस है। बट एनीवे पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं आपको गाड़ियाँ रिकमेंड कर सकता हूँ, बट अभी मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपको लगेगा ये जरूर इसके पास या तो ये डीलरशिप होगी इस गाड़ियों की, या फिर ये जानता होगा स्पॉन्सर्ड वीडियो होगा या जो भी है, तो ये सब मैं नहीं करूंगा। बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर मुझे मौका मिले पर्सनली, तो मैं ये पर्सनल बोल रहा हूँ, अब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ और मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा जब मैं ये करूंगा, तो ठीक है आप उस बात की फिक्र ना करें, वीडियो भी बनाऊंगा मैं 100% चांसेस ये है कि एक आध गाड़ी बेच के अपनी, क्योंकि आई हैव मल्टीपल कार्स, तो एक बेच के टाटा की गाड़ी जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एनकैप सेफ्टी जो रिसेंटली दो सालों में मैंने नोटिस किया है, 4-5 स्टार्स मिल रहे हैं टाटा की गाड़ियों को, जो 5-6 लाख की गाड़ियां हैं वो भी ठीक है उनकी भी। मैं अल्ट्रोज जैसे अल्ट्रोज हो गई और उससे नीचे वाली गाड़ी हो गई, मुझे नाम याद नहीं है, टियागो है या टाइगोर है या जो भी नाम है उसका, तो ये सब गाड़ियों की मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सॉलिड है। और जब भी मैं देखता हूँ ना, एक चीज मैं नोटिस करता हूँ, जब भी टाटा की गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, जब मीम्स बनते हैं उसके बाद, ऑब्वियसली फेटल एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, बट किसी भी टाटा की गाड़ी का किसी और गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो मीम्स बनते हैं कि भाई जो टाटा की गाड़ी है वो अनहार्म्ड निकल गई या उसमें मिनिमल डैमेज हुआ और दूसरी गाड़ी की बुरी हालत हो गई। जैसे सेल्टोस वर्सेस टाटा हुआ था कुछ हफ्तों पहले, तो वो तो पूरे इंटरनेट पे छाई गया था कि सेल्टोस की इतनी बुरी हालत हो गई और टाटा की जो हैरियर थी वो मुश्किल से उसका जो डोर था पैसेंजर साइड का वो हुआ और किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई। ऑब्वियसली मैं तो ये प्रेफर करूंगा ऐसी गाड़ी लेना। बट एनीवे मेरा वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो थैंक यू, इतना ही बताना था मुझे आपको। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करूंगा मैग्नाइट की गाड़ियां लेना, आई एम सॉरी निसान की गाड़ियां लेना, बिकॉज मुझे स्पेशली मैग्नाइट की बात करूंगा क्योंकि मुझे इस गाड़ी सेफ नहीं लगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते तो जरूर लें, क्योंकि मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था उसकी लुक से, उसकी जो सेफ्टी उसकी जो फीचर्स हैं अंदर, नॉट सेफ्टी बट अंदर के जो फीचर्स हैं इंटीरियर्स के और एक्सटीरियर की लुक से, बट आंखें खुल गई भाई, आंखें खुल गई और टाइम से खुल गई, वरना 8-10 लाख रुपये बर्बाद हो जाते हैं। बट एनीवे धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हों आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट आती रहे जो भी वीडियोज हम लोग अपलोड करें अपने एंड से। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।